यहाँ से सॉकेट में आपको जो एल लिखा हुआ है, एल सॉकेट में और स्विच में आपको ऑपरेट कर देना है। आपसे आपको यहाँ से इसमें ऐसे। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दो स्विच, एक इंडिकेटर, दो सॉकेट का कनेक्शन आपको हम बताएंगे। दोस्तों, ये जो स्विच है इससे ऑपरेट होगा, ये वाला स्विच इससे ऑपरेट होगा, जो हमारा इंडिकेटर का काम करता है। इसे बोर्ड में लाइन आ जाता है, पता चल जाता है बोर्ड में लाइट आ गया है, इसीलिए हम इंडिकेटर को लगाते हैं। चलते हैं दोस्तों, इसका कनेक्शन करते हैं। आपको इस तरह आपको कर लेना है, इस तरह आपको स्विच में हमारे नीचे में आपको तीनों में शॉर्ट कर देना है। जो इंडिकेटर होता है दोस्तों, हम आपको बता दें, इंडिकेटर जो एक न्यूट्रल से और एक फेस से ऑपरेट होता है। ध्यान से दोस्तों वीडियो देखिएगा, जो इंडिकेटर है न्यूट्रल फेस में ऑपरेट होता है, स्विच केवल फेस में ऑपरेट होता है। हम इस तरह कर लेते हैं, आपको वायर लेना है, वायर जो लोड के हिसाब से आप बोर्ड में एक एमएम से 1.5 एमएम तक आप लगा सकते हैं, और अगर आपके पास 2.5 भी होगा तो 2.5 भी लगा सकते हैं। आपको वायर लेना है, वायर लेने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक आपको कट कर लेना है, ऐसे आपको इसमें आपको ऐसे शॉर्ट कर लेना है। आपको इसे शॉर्ट कर लेना है, इसको टाइट कर देना है। ये आपका हो गया। आपको छोटा सा दो वायर लेना है, दो वायर यहाँ से सॉकेट में आपको जो एल लिखा हुआ है, एल सॉकेट में और स्विच में आपको ऑपरेट कर देना है। आपसे आपको यहाँ से इसमें ऐसे। उसके बाद इसको टाइट कर देना है। ये आपका हो गया है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सॉकेट में जो एल लिखा है उसमें आपको स्विच से ऑपरेट करना है। उसके बाद आपको न्यूट्रल लगाना है। न्यूट्रल आपको कहाँ कहाँ लगाना है,
इस सॉकेट में जो EN लिखा है और EN लिखा है सॉकेट में और एक इंडिकेटर में आपको वायर को हम नाप लेते हैं। आपको सॉकेट में जो EN है आपको ऐसे न्यूट्रल आपको टाइट कर देना है। उसके बाद आपको इंडिकेटर में भी लगाना है, इंडिकेटर में उसके बाद फिर यहाँ से आपको उठाना है, इस सॉकेट में ले आना है। आपको सॉकेट में न्यूट्रल जो EN होता है हमारा न्यूट्रल में काम करता है। ये आपका हो गया। उसके बाद आपको लगाना है जो हमारा मेन न्यूट्रल और मेन फेस हमारा आएगा तभी इसमें चालू ये बोर्ड हमारा होगा। तो आपको ये हमारा इससे काम करेगा और इससे काम करेगा। दोस्तों इसका कनेक्शन आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आपको फेस और न्यूट्रल कहाँ लगाना है जो तीनों दोनों स्विच और एक इंडिकेटर देख रहे हैं इसमें आपको इंडिकेटर में लगाना है। यहाँ भी आप लगा सकते हैं, यहाँ भी आप लगा सकते हैं, तीनों टर्मिनल में आप कहीं भी फेस लगा सकते हैं। और न्यूट्रल जो है आप यहाँ सॉकेट में भी लगा सकते हैं, यहाँ इंडिकेटर में भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। आपको इस एक ही जगह आपको न्यूट्रल में आपको कहीं तीनों जगह में से एक ही जगह पर आपको देना है जो मेन न्यूट्रल है और फेस है। दोस्तों इसमें देख सकते हैं एक काला वाला है, एक काला है और एक पीला है। जो पीला है हमारा फेस है, जो काला वाला है हमारा न्यूट्रल है। दोस्तों इसमें सॉकेट में जो ये तीसरा टर्मिनल आप देख रहे हैं इसमें अर्थिंग का अर्थ जो वायर होता है वो हमारा बोर्ड में लगाया जाता है। जो ज़मीन से अर्थ होता है वो इसमें लगेगा दोस्तों, यहाँ भी और यहाँ भी। हम आपको फेस बता दें, आपको फेस यहाँ पे लगाना है। फेस तीनों में टर्मिनल में से आप कहीं भी लगा सकते हैं, उससे आपको इसमें आपको लगाना है। अब न्यूट्रल भी यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। हम सॉकेट में लगाएंगे। अब इसको दोस्तों हम बोर्ड में लगाते हैं चेक करने के लिए।
देख सकते हैं लाइट आ गया है। अब इसको हम चेक करते हैं, सॉकेट इसका हम चेक करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा कि और लोग आप हमारा वीडियो देखकर सीख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।